और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां देश में राजनेताओं ने तिरंगा फहराया तो वहीं सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने भी ध्वजारोहण किया और इसके बाद ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में हजारों किसान मजदूरों ने भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर किसान मजदूर आजादी संग्राम यात्रा निकाली जा रही है कि देश के अंदर आजादी को लेकर संग्राम हुआ था और जिन देश के लाखों लोगों ने कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया और जो उनका सपना था जे एक जिसको भारत को बनाने का, वो ऐसा भारत बना नहीं, वैसी आज़ादी आई नहीं है, तो अभी भी अधूरी आज़ादी है, उसको लेके आज देश भर के अंदर 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है वो भी आज एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिन्होंने 52 साल तक अपने ऑफिसों के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, हर जगह उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, तो इसमें देश भर में जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन के दबाव के चलते आज तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को भी तिरंगा उठाना पड़ रहा है।